हेलो, क्या नाम आपका? एग्जाम सर, एग्जाम बहुत हेल्थी था और बहुत हार्ड भी था, मतलब टाइम भी इतना नहीं था, तो फिर हम हिसाब से मैनेज नहीं हो पा रहा था। बाकी एग्जाम नॉर्मल था, एवरेज था, एक नॉर्मल पर्सन के लिए सही था। मैंने पास के पेपर्स करे थे, बट वो भी बहुत मेहनती थे और मेरे को लगा नहीं था कि सारे पेपर सब भी हो पाएगा। बेनिफिट ज्यादा नहीं हुआ बिकॉज इसका पैटर्न चेंज हुआ था और हमें इतनी प्रैक्टिस जो हमारे सेंटर्स होते हैं वहां से भी नहीं दी थी, तो हमें काफी हार्ड लगा। न्यू पैरामीटर्स में एक कोचिंग है वहां से करती और उन्होंने टेस्ट भी प्रिपेयर नहीं करवाया था जिसके आपके पेपर आए। और टेक्सचर वाइज अगर बताओ तो कौन सा सबसे इजी था? सबसे इजी मेरे हिसाब से था लॉजिकल रीजन। लॉजिकल सबसे मुश्किल था। मैथ मॉक वगैरह दिए थे आपने? मैंने मॉक दिए थे सर, बट स्टिल ऐसा फायदा नहीं हुआ। सर मैंने करीब 100 तक करे थे बट 50 तक छोड़े। कंप्यूटर से बहुत आसान होता है, हमारे ना वो बॉल पेन की इधर उधर फैल रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। मैच करने में दिक्कत आ रही थी सर, दिक्कत बॉल पेन का काम करता हूँ, दूसरा भी दे सकते हो गया तो गलती हो जाती है, दोबारा भी दे सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, चेंज वाला ऑप्शन होता है ना आपके पास, इसमें आपके पास कोई नहीं था, इसमें ये था ना एक बार सोच के चेंज नहीं कर सकते, आपको सीधे शिफ्ट करना होगा। चलो कोई नहीं है, ऑल द बेस्ट। क्या नाम आपका? जस्ट सर। कैसा हो एग्जाम? कैसा हो? इस साल का पिछले साल से ज्यादा आसान था। आसान था, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, मतलब छोड़े नहीं अभी, और मैं रीड कर पाया, पिछली बार मैं रीड भी नहीं कर पाया। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट था? मैंने खुद ही करी थी। बहुत अच्छे यार, तो कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लगा? जीटी और मैथ्स वगैरह सब करवाए थे, मैथ्स लॉजिकल सब कुछ करवाए थे। और करंट की कहते थे, बहुत ज्यादा पुराने थे या स्टैटिक ज्यादा था? करंट को जैसे जनरल अगर आपको तो उसमें स्टैटिक जी के ज्यादा थी या करंट का ज्यादा? स्टैटिक ज्यादा था, करंट कम था। थैंक यू सो मच।